देश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जो लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, जो लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी होर्डिंगों पर केवल एक है, बाकी दूसरा इंजन गायब है। तो जब एक गायब है तो जब वोट पड़ेगा तो दूसरे भी गायब हो जाएंगे। महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, पेपर लीक हुए हैं, ना मां गंगा साफ हुई, ना स्वच्छ भारत में कूड़ा हटा है। उत्तर प्रदेश को पीछे तो किया ही किया है, लेकिन देश में भी कोई खास विकास दिखाई नहीं दे रहा है। और खासकर उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। जनता संविधान को बचाने के लिए, जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डाल रही है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। एनडीए को पीडीए हटाता बदलाव चाहती है। जनता को धोखा मिला, जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर अब पार होगा। आप न केवल जनता के लिए किए हुए काम रोक दिए, लेकिन बड़े बड़े काम भी रोक दिए। इसी क्षेत्र में हवाई पट्टी बनी थी, हवाई पट्टी पर कभी हवाई जहाज नहीं उतर पाया। ये सड़कें जितनी बनी हुई दिखाई दे रही हैं आपको, हॉट विंग्स की और चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई एम्बुलेंस समाजवादियों की देन है। सड़कों पे चलती हुई 100 नंबर गाड़ी समाजवादियों की देन है। ये जो बिजली आ भी रही है और जितने सब स्टेशन बने हैं वो समाजवादियों की देन है। यहाँ CSC को अपग्रेड करना, CSC में सुविधाएं देना समाजवादियों की देन है। कन्नौज जैसी जगह पर बड़े बड़े मंडी बनाना, परफ्यूम पार्क बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, डेयरी का प्लांट लगाना और किसानों को सही तरीके का बीज मिल जाए उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाना और सुविधाएं देकर के आलू को भी आगे बढ़ाने का काम किया था, जिससे आलू का काश्तकार आलू का किसान को भी लाभ हो। जनता बदलाव चाहती है। जनता को धोखा मिला, जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर अब पार होगा। सुगंध भाईचारे का जो लगाव इस कन्नौज की जनता में है उसको वापस लौटाने का काम करेंगे। जो सुगंध यहाँ की है वो दुनिया में फैले उसके लिए काम करेंगे। भाजपा सांसद की अमर्यादित भाषा लगातार बिगड़ती जा रही है। वो भाषा में तो चैंपियन है, थोड़ा शाम हो जाए फिर तो आपकी भी पिटाई हो सकती है। अच्छा, क्योंकि रात में उन्होंने पुलिस को पीटा था, शाम को किसी को भी पीट सकते हैं। सर, किसी समुदाय लोधी समाज और वीरांगना अवंती बाई को मानने वाले लोग एकदम खड़े हैं इस बात कि इन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, इन्होंने जो समाज को अपमानित किया। सोचो, इतना समाज का इतिहास बड़ा है, जो वीरांगना अवंती बाई को रास्ते पर चलते हैं, जो इतिहास गवाह है उनके योगदान को, उनके काम को, और ये हमारे सांसद